त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस पर सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी देने और शांतिपूर्ण राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने का आरोप लगाया। बिहार के मुंगेर जिले के गंगाटांड थाना क्षेत्र में आज सुबह छात्रों से भरे एक ऑटो और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य छात्र घायल हो गए। भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांडे को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान बट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र में रविवार की रात स्कॉर्पियो से आए अज्ञात चोरों ने एक बैंक एटीएम उड़ाकर अपने साथ ले गए। राष्ट्रीय राजधानी की उच्च सुरक्षा वाली जेल तिहाड़ जेल में जल्द ही 2 एक्सरे आधारित मानव शरीर स्कैनर होंगे, जो जेल परिसर के अंदर अवैध वस्तु और गैजेट्स की घुसपैठ को रोकने में मदद करेंगे। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में अगले आदेश आने तक राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई को जीतने का बड़ा हथियार वैक्सीनेशन को माना गया है। इटारसी में एक युवक को ट्रेन की पटरी के पास खड़े होकर वीडियो शूट करना महंगा पड़ गया। युवक की जान चली गई, वह पटरी के किनारे खड़ा था तभी वह गाड़ी की चपेट में आ गया।